एक बकरी थी, उसका एक मेमना था। दोनों जंगल में चर रहे थे। बकरी को प्यास लगी, मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली, चलो चलो पानी पियाएं। मेमने ने भी कहा, हाँ माँ चलो पानी पियाएं। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चले, बोलते बतियाते, हंसते गाते, टबक 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 टबक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस से काम लो तो संकट टल सकता है, धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता भी निकल आता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। दोनों नदी के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया, प्रणाम मतलब नमस्कार किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी कि भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो, पानी पिलाने से मना क्यों नहीं करती, मेमने ने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई और बोली, जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है, अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूं, वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है, प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी को बहुत जोर से प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत जोर से प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का शीतल जल था और मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली, पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए, पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी मगर दोनों को पानी पीते देखकर चुप रही। बकरी ने फिर पानी पिया, मेमने ने भी फिर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखें, राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया था। रक्त जमना मतलब डर जाना, सांस थम जाना। मेमना भी भेड़िये को देखकर घबरा गया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा है वाह, जो तुम दोनों सहा मिल गए मुझे साथ में। बड़ी जोर की भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मेमना भी संभल चुका था। छी छी, कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया, मेमना बोला। भेड़िया सक पकाया और बगले झांकने लगा। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें, हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह ना धोने की कसम उठा रखी हो, बकरी ने बात बढ़ाई। क्या बकती हो, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है, भेड़िया और राया। झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते, ताकि तनिक नदी में झांक कर तो देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी, हिम्मत बटोर कर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है इसका भरोसा नहीं, पर ये नन्ना मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा, रेत से मुंह रगड़ा था तो हो सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो, मैं इन्हें ऐसे खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में चली जाएगी। फिर नदी पर जाकर उसने पानी में झांक कर देखने में कोई हर्ज भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। हो, भाग कर जाएंगे भी कहां, एक झपट्टे में पकड़ लूंगा। देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूं, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा, भेड़िए ने धमकी दी। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों कोई भूख मिटाने के लिए हुआ है, हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है, आप तसल्ली से मुंह धो लें और यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, वहां जाकर मुंह धोएं, विश्वास ना हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ। भेड़िए को बात भा गई, वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था।
वहां पर पानी काफी गहरा था और किनारे चिकने। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर से धक्का दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल ना पाया और थप से पानी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे मेमना भी था। दोनों नदी से काफी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी, मेमना भी रुका। बकरी ने लाड से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता के से दर्प के साथ, दर्प मतलब घमंड, गर्व के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है, और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता भी निकल ही आता है। शाबाश, बकरी बोली और इसी के साथ हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। तो देखा बच्चों, मुसीबत में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।